शानदार प्रोग्राम का एक बहुत ही यू नो इंट्रीगिंग एंड हाईली इन्फ्लुएंस टॉपिक है आपका. थैंक यू वेरी मच. और ये जी मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ. ये बात सही है कि असल में पता है अफजल भाई, प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है. ये अभी जो माशरे में हमारी जो जंग है वो हैव्स और हैव्स नॉट की है. yeah. मेरे पास अगर दो गाड़ियां हैं जो कि होनी भी नहीं चाहिए होंगी, अगर मेरे पास दो गाड़ियां तो किसी के पास एक गाड़ी भी नहीं है. जी जी. अब आप अपनी गाड़ी में चले जाएं और आपके साथ आके अगर एक बस खड़ी होती है उसके ऊपर जो फिर बंदे बैठे होते हैं, किसी की नजरों में इतनी नफरत होती है, किसी की नजरों में इतनी एहसास होता है कि देखो हमारे पास गाड़ी नहीं है और ये कितने शानदार गाड़ी में ये बंदा जा रहा है. ये तो माशरे का फिर वो ये इसी में फिर जंग पैसों की भी होती है होती कि है हमारे पास कुछ नहीं है. फिर घर आते हैं, बीवी का प्रेशर होता है. हाँ जी. ये भी चाहिए वो भी चाहिए. लेकिन ये एक हदीस कुछ सी कितनी अच्छी है, मैंने आपको पहले सुनाई थी. जी जी. कि सुनाऊं मैं आपको अफजल भाई? जी जी बिल्कुल बताएं जी. ओके. तो अब ये है अफजल भाई कि ए इब्ने आदम, अल्लाह ताला हमें कह रहा है कि ए इब्ने आदम एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है. जी जी. होगा वही जो मेरी चाहत है, अल्लाह मियां कह रहे हैं. बस अगर तू हवाले कर दे उसके जो मेरी चाहत है तो मैं तुझे वो भी दूंगा जो तेरी चाहत है. फिर अल्लाह ताला कहते हैं और अगर तूने मुखालफत उसकी की जो मेरी चाहत है तो मैं तुमको थका दूंगा उसकी जो तेरी चाहत है. जी हाँ. फिर होगा वही जो मेरी चाहत है. बिल्कुल सही बात है जी. ओहो अफजल भाई, अल्लाह आपको खुश रखे और बहुत अच्छा आपका दिन गुजारे, महीने गुजारे, साल गुजारे. एंड ओके, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. नाज़रीन, तो बात हो रही थी किस चीज़ की, रास खा जाना, जमा पूंजी खा जाना और फिर वावीला मचा देना, शोर मचा देना कि ऐसे क्यों गया, ऐसे क्यों गया, ऐसे क्यों गया. अब कुछ ऐसे पहलू पे बात करता हूँ, कुछ ऐसे नज़रिए पे बात करता हूँ, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट पे बात करने की कोशिश करता हूँ. हो सकता है कि रियल रास आपको समझ आ जाए. असल रास क्या है, असल जमा पूंजी क्या है जिसने आपको सेफ रखना है हर वक्त. ना चोरी होनी है, ना डाका डलना है, ना कम होना है, मल्टीप्लाई होता जाएगा. वो क्या है, हुस्ने अखलाक है, पॉजिटिव थिंकिंग है, किसी के साथ अच्छाई है, किसी के साथ नेकी है, भलाई है, अपनी ज़ात से हटकर दूसरे के मुतल्लिक मुस्बत सोचना, हर चीज़ में हर काम में रब की रज़ा को मद्देनज़र रखना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक सीरत है उसके मुताबिक कोशिश करके कुछ नुक्ते, कुछ पॉइंट, जितनी हमारी कैपेबिलिटी है उसके मुताबिक कोई एक उनका एक कॉन्सेप्ट ज़िंदगी का वो फॉलो करना, ये एक्चुअल रास है. इस रास में कभी कमी नहीं आएगी, इस जमा पूंजी में कभी कोई ये फीलिंग नहीं होगी कि आज इतने हज़ार कम हो गए हैं तो इतने का खर्चा पड़ा हुआ, इतने लाख कम हो गए हैं तो इतने का खर्चा पड़ा हुआ. तो जब असल रास को, असल जमा पूंजी को समझना शुरू करेंगे मैं और आप, फिर ये जो रास जिसको हम समझते हैं कि ये हमारी दुख सुख की साथी है, ऐसा कुछ नहीं, ये सिर्फ सोच की बात है. लेकिन मैं आपको फिर बताऊं कि ये एक अटैक आता है, शैतान एक हमला करता है और उस वक्त करता है जब काउंटिंग होती है आपकी. आप देखते हैं कि 6 माह के बाद ये हुआ, ओहो खर्चा तो बहुत ज़्यादा हो गया और रास इतनी थी अब इतनी रहेगी. जैसे ब्लड प्रेशर भी बाज़ लोगों का ना हाई हो जाता है. किन लोगों का होता है, ईमान की कमज़ोरी, तवक्कल की कमज़ोरी, दीन से दूरी की वजह से होता है. जो इन तीनों चीज़ों के साथ रिश्ता कनेक्शन रखते हैं, रबता रखते हैं, उनको फील होगा, फिर वो यही कहते हैं कि अच्छा अल्लाह का माल ख़त्म हो रहा है तो मैं क्या करूँ. जब ये चीज़ आप ले आते हैं ना कि रब की तरफ से दिया हुआ है, रब ने दिया हुआ है, रब का ही है और हकीकतन भी रब का ही, फिर ये रास के चक्कर से कि जी आज कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, ये एग्जिट हो जाते हैं. लाइफ आपकी ईजी हो जाती है, टेंशनों से मुबर्रा हो जाते हैं आप. और जहाँ आप ये चीज़ हो किस तरह होगा, या कभी कभी आप होता है ना वो ATM से वो पर्ची आती तो एकदम वो देख के बंदा कहता ओहो ये तो इतने सारे कम हो गए, मैंने तो इतने खर्च नहीं किए. हालांकि ATM कार्ड भी आपका है, मशीन भी आपकी बैंक की है, लेकिन जब फिर आप काउंटिंग की तरफ आते हैं ना तो उस वक्त जब रास की कमी है फिर आप कहते हैं ओहो देखा ना ये 3,000 उधर ज़्यादा चला गया, ये 9,000 बिला वजह चला गया, ये 6,000 का ऐसे ही खाना खिला दिया, ये 11,000 का वैसे ही डज आ गई, ये इस चीज़ की वैसी फटीक आ गई. ये क्या है, ये शैतानी अंदर वसवसे हैं, ये नेगेटिव चीज़ें हैं आपके अंदर.
अब इसको निकालना है मैंने और आपने, ये जब निकलेंगी फिर हम कहेंगे कि नहीं, और निकलेंगी उसी दिन जब आपकी होप, आपकी मोहब्बत उस राज से, उस जमा पूंजी से हटेगी, जो कि एक मुश्किल तरीन काम है लेकिन उससे ज्यादा आसान तरीन काम है। सिर्फ इधर से ही तब्दील करना है ना कि अल्लाह ये मेरा माल नहीं है, ये मेरी राज नहीं है, ये तूने मुझे दी है, तू इस वक्त चाह रहा है कि कम हो जाए तो तेरी रजा है, मैं इसको नहीं बढ़ा सकता, तो इसको बढ़ाना चाहे तो मैं उसको कम नहीं कर सकता, ये इतनी सी बात है सर। यहाँ जनाब जब राज कम होना शुरू हो जाती है, आप यकीन करें कि ऐसे ऐसे लोगों के मुंह से लफाज सुनने को मिलते हैं, ऐसे ऐसे लोगों के जुमले सुनने को मिलते हैं कि हम हैरान रह जाते हैं कि यार ये लोग किस तरह बात कर रहे हैं। अब इसमें ये भी नहीं कि जी वो आप पीती जग पीती, वर नहीं, हर बंदा इस फेस में आता है, हर बंदे का ये फेस है, मैं हूँ, आप हैं हम, अगर आप आज भी अपने आप को देखते हैं, जितनी भी हमारी रास है या बिल्कुल नहीं भी है रास, उसके बावजूद भी अगर कर्जा भी चढ़ रहा है, ये भी ज़रा थोड़ा सा खोलता जाऊँ बात को कि जिसकी रास है वो जिसके पास पैसे ही नहीं है, ये भी ज़रा जहन में रखिएगा, तो ज़ाहिर बात है कि वो कर्ज लेकर निज़ाम चलाएगा या किसी से मांग कर निज़ाम चलाएगा, तो ये भी एक रब की करम नवाजी है उसके ऊपर कि कोई उसको कर्ज भी दे रहा है या कोई उसकी हेल्प भी कर रहा है, तो ये भी किसी न किसी की तो रास कम हो रही है ना। लेकिन जिसकी रास कम हो रही है वो अगर इसको पॉजिटिव लेता है कि नहीं यार मेरे इतने देने से इसका फ़ायदा हो रहा है, मेरे इतने देने से इसका निज़ाम चल रहा है, मेरा तो नहीं चल सकता, तो उससे उसकी रास, उसकी जमा पूंजी उसके अंदर नेचुरली मल्टीप्लाई होना ही होना है, ये एक तयशुदा बात है, चाहे आप तस्लीम करें चाहे आप तस्लीम ना करें। तो रास जो है इसको समझें। अब आप पॉजिटिव रास और नेगेटिव रास उसकी तरफ भी ज़रा थोड़ा सा चलते हैं। अब कुछ ये होता है कि जी दादा की या वालिद की विरसे में चीज़ें आ जाती हैं कि जी वो जब उन्होंने निज़ाम छोड़ा दुनिया का या मुंतकिल हुए तो इतने का एसेट छोड़ कर गए। अब ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि वो छोड़ कर गए तो इसका मतलब वो उनकी रास नहीं थी, वो भी रब की थी। अब रब ने उनके एटीट्यूड, उनके रवैये, उनकी डीलिंग से उनको ऑनर रखा कि जब वो मुंतकिल हुए तो उसके बाद पीछे वो एसेट औलाद के काम आए। अब औलाद का रवैया अगर उसके बरक्स है, उनके असूलों के मुताबिक नहीं चल रहे या उनके असूलों से हट कर चल रहे हैं तो वो रास डिलीट होना शुरू हो जाएगी, उसका मलाल नहीं होगा उनको औलाद को। क्यों? क्योंकि वो उनकी नहीं है। बात को फिर रखेंगे जारी, लेकिन कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबिया खुर्शीद बात कर रही हूँ, शाह फैसल टाउन। जी जी बोलें। सबिया खुर्शीद बात कर रही हूँ। जी जी बोलें। जी बात करें जी। मैंने बात करनी थी जो आपका मौजू आज चल रहा है। हाँ जी। हम जो भी चीज है हमारे पास, आज हम जिंदा है, हमारे पास अल्लाह की दी औलाद है, नेमते हैं, मकसद ये की दौलत है, हम ये सोच के करें कि ये हमारे पास अमानत है, अमानत है, और इसका हमने जवाब देना है। जी। जो हमारे जहन में ये बात होगी और हम अल्लाह को ये बीच में रखेंगे ना, तो यकीन कीजिए अगर हमारे पास माल कम भी है तो वो ज्यादा खुद ब खुद होता हो जाएगा। जी, बरकत हो जाएगी। जी, जी। और अगर ज्यादा है तो वो सही जगह पे जाएगा। बिल्कुल सही बात। मैं सिर्फ अल्लाह ही क्यों रखता बीच में करनी है, हम जहाँ ये सोचते हैं ये हमारा है, हमारा कहाँ से है, हमारा तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, हमारा तो अपना कोई अमल हमारा नहीं है, हम तो अल्लाह को बीच में ला के करेंगे तो वो काम अच्छा होगा। जी। हम कभी भी अपने आप से कभी कोई काम कर ही नहीं सकते। बिल्कुल सही। जब ये सोचते हैं दुनियावी लिहाज से, हमें दुनिया को आखिरत पे हम तरजीह देते हैं ना, जब ही हमारा खसारा शुरू हो जाता है। जी। और हम जब तक तो अपनी सोच नहीं बदलेंगे, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को बीच में दिलाएंगे, अल्लाह उसके रसूल को, तो हम कभी भी हम इस दुनिया में फला नहीं पा सकते। ये बात सही। हमारी अपनी सोचे हैं, हमारे अपने अमल हैं, जो हम अपने अजाब में बवाल में मुब्तला हुए हैं, हर घर में परेशानी, हर कोई टेंशन का शिकार, सिर्फ इसी वजह से है ना कि भी तुम सुबह उठ के अपना काम शुरू करो, अल्लाह का नाम लेके खुद ब खुद देखे हाथों में ताकत आएगी, ये कह के अल्लाह पाक मुझे हाथों में ताकत दे, मैंने काम करना है। आमीन जी। हाँ जी। और हम ये सोचे हैं खाना बना रहे हैं, इसमें अल्लाह ताला बरकत डाल तो ऑटोमेटिक बरकत आएगी। हम ये सोचे हैं आज मैंने अपने बच्चों के लिए, अपने शोहर के लिए, अपने जिजो मारब के लिए मिलने जाना है, एज ए आदत अल्लाह ताला तेरी रजा के लिए मैं जा रही हूँ, तो यकीन कीजिए खुद ब खुद रास्ते बनते चले जाते। बिल्कुल सही कह रही हैं आप जी। बस सारी सोच अपने बदलनी है, अल्लाह ताला हम सबको इतनी तौफीक दे कि हम अपने हर एक एक अमल को अल्लाह ही के ऊपर छोड़ दें, फिर देखें हमारी जिंदगी कितनी गुलगुजार हो जाए। आमीन आमीन। अल्लाह ताला आपको आपके प्रोग्राम को हमेशा सलामत रखे। बहुत शुक्रिया।
السلام علیکم جی ناظر. تو یہ ایک علمی ہے ہمارے لیے کہ ہماری اتنی حب و اتنی محبت اس راز کے لیے ہو جاتی ہے, اس راز کے لیے ہم رشتے ناطے سائڈ پر رکھ دیتے ہیں. وہ جو آپ کی زوجہ ہے وہ 20 سال سے آپ کے ساتھ رہ رہی ہے, 30 سال, آپ اس کے اوپر فرسٹریشن نکالتے ہیں, ایون گالی تک بھی دیتے ہیں, پھر راز آپ کی کم ہو رہی ہے, اس خاتون کا کیا قصور ہے؟ یہ ہوتا ہے اس طرح گھروں میں. اولاد کے ساتھ آپ اتنا روٹلی بات کریں گے کہ وہ بولیں گے کہ جی پاپا کو کیا ہو, یہ راز کمی کی وجہ سے, اور حقیقتاً آپ کا کچھ بھی نہیں ہے. سمجھیں تو کچھ نہ, لوگ کو ترم خان ٹائپ کے ہوتے ہیں, وہ جی میں نے تو یہ 30 سال کی محنت سے یہ راز اکٹھی کی, وہ ایک سیکنڈ میں ہی نہ ہو, رب کو وہ بات نہیں پسند آتی, کھیل ختم. اب وہ 30 سال کی محنت کہاں گئی بھی تمہاری؟ یہ چیزیں ساری, ان چیزوں کو سمجھیں, ان چیزوں کی گہرائی تک جائیں, پھر آپ کو علم ہوگا کہ کچھ ایسی چیزیں, کچھ ایسے موضوع, کچھ ایسی باتیں جس کا نہ سر ہے نہ پیر, بلا وجہ میرا اور آپ کا ذہن لڑائی جھگڑے کی طرف بنا ہوا ہے صرف اس موضوع کی وجہ سے کہ جی راس کم ہو رہی ہے, خرچے کم کر دو جی, 8 کے بعد گاڑی میں جانا بند, آؤٹنگ بند, شاپنگ بند, لائٹیں بند, فریزر بند, مرغی بند, گوشت بند, ان چیزوں کا راز سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو نصیب کی بات ہے, یہ تو نصیب کے فیصلے ہیں نا, یہ تو کرم کے فیصلے ہیں. یہ رب کی ذات آپ کو دال کھلا رہی ہے, رب کی ذات آپ کو چکن کھلا رہی ہے, رب کی ذات آپ کو سینڈوچ کھلا رہی ہے, رب کی ذات آپ کو برگر کھلا رہی ہے, یہ توفیق نصیب کی بات ہے, اس کا راز سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ صرف سمجھنا ہے ہم نے. اور اگر ہم اسی راز کو لے کر, اسی جمع پونجی کو لے کر اور اسی کے اوپر فوکس کر کے بیٹھ جائیں گے کہ اب اتنے کم ہو گئے ہیں, اب اتنے کم ہو رہے ہیں, ایسا نہیں. جب تک سانس ہے, جب تک زندگی چل رہی ہے, پیسہ ہمیشہ خرچ ہوتا رہے گا, کم خرچ کریں, زیادہ خرچ کریں, یہ آپ کے اوپر ہے, یہ ڈیپینڈ آپ کے اوپر کرتا. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر اس راز کو یا اس جمع پونجی کو یا اس مال کو یا اس ایسٹ کو, ایون ہاں وہ ضروری نہیں کہ پیسے کی زمرے میں آئے, جائیداد کی شکل میں, اولاد کی شکل میں, والدین کی شکل میں, اگر یہ تصور کر لیں گے کہ نہیں یہ آپ کا ہے, پھر نہیں گاڑی چلے گی, پھر ہینگ ہو جائیں گے آپ, ایسے ہینگ ہوں گے بے یارو مدد کا, سمجھ نہیں آئے گی آپ کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو جب اس طریقے سے زندگی گزاریں گے نا کہ اپنا کچھ نہیں ہے, اس کا ہے,